अधिकार। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर जो बात हो रही है, अब मैं पार्टी के आपका वर्जन नहीं आए, आप व्यक्ति के तौर पर, देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर तो आप बता सकते हैं ना कि क्या होना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ नागरिक के तौर पर नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ एक प्रवक्ता, एक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर बैठा हूँ। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप भी जानते होंगे कि संविधान में तो हिंदू, ये मेरे जो साथी बैठे हैं ये थोड़ा बहुत प्रपंची हैं, लेकिन ये अधिवक्ता भी हैं, इनका इनको पढ़ना चाहिए कि हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, मुस्लिम मैरिज एक्ट क्या है, उत्तरा एयरनेस एक्ट क्या है। तो इस देश में सभी तरह के कानून हैं, और अब जब आप संविधान के प्रस्तावना पर आएंगे तो यहाँ पंथ निरपेक्षता की बात है, तो पंथ निरपेक्षता का भाव बचाते हुए सबके लिए एक बेहतर देश का निर्माण कैसे हो सकता है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि मणिपुर में जब स्टेबिलिटी और पीस का भाषण दिया जा रहा था चुनाव से पहले, और चुनाव के बाद मणिपुर के लोग जल रहे हैं, आग लग रही है, बेटियां जल रही हैं, बहनें जल रही हैं, खुलेआम लोगों का कत्लेआम हो रहा है, और देश के शहंशाह बाहर हैं अपने वैभव का प्रचार कर रहे हैं। तो अब तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना साहब। मैंने जो बात कहीं कोई कही है अवधेश भाई, अगर उसमें कुछ गलत हो, क्या उत्तर प्रदेश की हालात है नहीं देखा जा रहा? उत्तर प्रदेश में 2016 के बाद कोई भर्ती ही नहीं आई। उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़कों पर अभी कल, बिल्कुल ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं राकेश त्रिपाठी, परिवार का पूरा परिवार मनोज जी ये कह रहे हैं कि ठीक है, वो मिल नहीं पाए, संविधान के दायरे में रहकर जो किया जा सकता है वो करना चाहिए, आप यूसीसी करिए, पॉपुलेशन को लेकर करिए, लेकिन और भी तमाम जरूरी मुद्दे हैं जहां पर जान माल की और संविधान के मूल भावना की सीधी हानि हो रही है, क्षति हो रही है, उस पर ध्यान कब जाएगा? उनका ये सवाल है सीधा। अवधेश जी, डिबेट करने का एक सामान्य तरीका होता है, डिबेट से पहले आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स के द्वारा टॉपिक बता दिया जाता है कि किस टॉपिक पर बहस करनी है। ये बड़ी मुश्किल होती है समाजवादी पार्टी के लिए, ऐसी पॉलिसी पैरालिसिस है पार्टी के भीतर कि किस मुद्दे पर क्या बयान देना है। पार्टी के भीतर कोई संवाद ही नहीं होता, कोई पार्टी के भीतर विमर्श ही नहीं होता। वास्तविकता में समाजवादी पार्टी केवल जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के दरमियान सक्रिय होती है और कोशिश करती है कि कैसे जनता को बरगला सके, कैसे जाति आपकी तरह कम से कम ऐसा नहीं होता। आग लगाने वाला विमर्श समाजवादी पार्टी में नहीं चलता है। समाजवादी पार्टी में जो विमर्श चलता है वो मानवता का चलता है, वो समावेशी विकास का चलता है। हमारे यहाँ बहुत विमर्श और संवाद होता है। कल मैं बता तो रहा हूँ कि पीलीभीत की माताएं बहनें आई, दलित परिवार की, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मिल पाए, तो उनसे संवाद करने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं करा। हमारे यहाँ संवाद बहुत ज्यादा और सहज है, लेकिन आग लगाने का, नफरत फैलाने का नहीं है दोस्त। प्यार बांटने का, जवाब लेते हैं विकास का, मानवता कैसे समृद्ध हो, सब लोग आगे कैसे बढ़े, इसका है। ठीक है, जवाब लेते हैं राकेश, बात पूरी। अब मैं बहुत बहुत आदर के साथ मनोज काका जी, बहुत विनम्रता से आप दर्श के कह रहा हूँ, केवल दो लोग ही डिबेट में है, आपको पूरा समय दिया फिर पूरा समय देंगे, लेकिन ये जो संवाद का तरीका नहीं सिखाना समाजवादी पार्टी में, जब देखो तब हल्ला बोल दो, कभी भी कहीं भी किसी भी तरफ में विचार व्यक्त कर। अरे भाई, आपकी बारी आएगी, आपको समय दिया जाएगा, बोला जाएगा, लेकिन चूंकि इस संवाद की कोई कार्यशाला नहीं होती आपके यहाँ, कोई प्रशिक्षण नहीं होता इसके यहाँ, इसलिए कभी भी किसी भी समय हल्ला बोल दीजिए। इसलिए मैं कह रहा था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का, प्रवक्ताओं का संकट होता है। मनोज काका जी, आपकी इसमें गलती नहीं है, प्रशिक्षण होता तो शायद ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन जो सवाल हो रहे हैं उस पे आ जाते हैं। नहीं, वो संकट यही है ना, सवाल पर जब आप जवाब देना शुरू करता हूँ तो मनोज काका इंटरप्ट करते हैं। अभी मनोज काका इंटरप्ट करेंगे, या तो आप मनोज काका की आवाज बंद कर लीजिए अवधेश जी, या तो मनोज काका की आवाज बंद कर सके। मनोज जी, आप तो देखिए पॉपुलेशन पर करनी थी तो आपने सीधे पल्ला झाड़ लिया, आपका पार्टी में बात ही नहीं हुई है। पॉपुलेशन पर आज बात होनी थी, दोनों लोग नहीं बोल रहे हैं पॉपुलेशन पर। बिल्कुल वाजिब मुद्दे हैं मनोज जी, बिल्कुल वाजिब मुद्दे हैं, लेकिन जब पॉपुलेशन पर बहस छिड़ गई है, दो तीन तो बड़े नेताओं ने बयान दे दिया, इससे सवाल उठ रहा है कि पॉपुलेशन पर क्या हो। राकेश भाई तो सरकार में है, सरकार में है। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, जो लोग विरोध और कर रहे हैं, क्या उनको आप लोग कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हैं, उनको भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि ये देश के हित में है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस मिलेंगे, बिल्कुल उनके साथ संवाद भी करेंगे, और ये भी अभ्यास नामे देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सो करके जागने का नाटक, जाग करके सोने का नाटक कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को नहीं जगाया जा सकता है जो पहले से जगे हुए हैं। जैसे मनोज काका जानते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या और उसमें भी जनसंख्या का असमान असंतुलन
आकलन ये कैसे देश के लिए, समाज के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा है, ये बात बहुत तक भी जानते हैं, लेकिन जानबूझ करके भी दलीय प्रतिबद्धताओं के कारण, मजहबी तुष्टीकरण के कारण, जाति मजहब के समीकरण बनाने के कारण मनोज काका नहीं बोल पाते हैं। तो अब मनोज काका को समझा पाना संभव नहीं हो सकता है। ठीक है मनोज जी, क्या ये जो जाति और सांप्रदायिक समीकरण साधने होते हैं, इस वजह से आप लोग इस पर अभी खुलकर स्टैंड नहीं ले रहे हैं? देखिए अवधेश जी, आप बहुत ख्याति लब्ध और मैं समझता हूँ कि सारे विषयों के मर्मज्ञ विद्वान पत्र खा रहे हैं आप। अरे साथी, जो सरकार रात के 12 बजे आर्डिनेंस ला सकती है, वो सरकार इतना नाटक क्यों कर रही है? आपका राज्यसभा में, आपका लोकसभा में बहुमत है, और इतना साधारण बात तो आप जानते ही होंगे कि जिसका बहुमत है उसे कानून बनाने का पूरा अधिकार है। आप क्यों नहीं कानून बना दे रहे हैं? कोई रोका है आपको? आप कानून बना दीजिए, लेकिन जब विधि आयोग ने कोई विमर्श मांगा है, कोई सुझाव मांगा है, तो विमर्श और सुझाव सिर्फ घंटों में नहीं दिए जा सकते हैं। उसमें सबके अपने मत होंगे और लोगों के विभिन्न विचारधाराओं पे, एक ही घर से निकले हुए लोग विभिन्न विचारधाराओं में विभिन्न धुरियों पर होते हैं, तो उनके अपने मत हैं और उसी मत को अभी ये आंकड़े सिर्फ अगर राकेश जी रख दें, अब मैं तो जो आंकड़े जानता हूं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं ने दिया है उसमें सबसे ज्यादा सिर्फ बच्चों और जनसंख्या की बात है, तो सबसे ज्यादा बच्चे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास भी आए हैं उत्तर प्रदेश के जो सदन के आंकड़े हैं। साथ ही यूसीसी सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण कानून ही नहीं है, आपको इतना तब उसको कम जान रहे हैं आप उसको हॉलिस्टिक अप्रोच में जानिए, तो उसमें कई सारी चीजें हैं। और मैंने जो बात कही कि भाई जब उसने 21वें विधि आयोग ने मांगा, आप 22वें विधि आयोग ने रिपोर्ट मांगी है, तो सबकी राय ली जाए, उसमें समाजवादी पार्टी भी अपना पक्ष रखेगी जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।